पिंक है लगी फॉर्म में चोट गिर गई मैडम रो रही है अब स्कूल जाने की है मैडम को कि स्कूल जाना है ऐसे चोट में कौन स्कूल जा पाता है एक एक्टिविटी के लिए इतना होया जा रहा है क्या करूं मुझे बता ना तो मेरे हाथ में नहीं है ना अब तेरी एक्टिविटी तो गई है दर्द हो रहा है मैं दवाई दे देती हूँ उसके लिए तो दवाई पी और सो जा बट एक्टिविटी के लिए स्कूल नहीं जा सकती जाना है स्कूल स्कूल जाने का इतना स्कोप है ना इतने मोटे मोटे आंसू से रो रही है ये स्कूल जाने के लिए चलो हो गई शांत अब से सुलाते हैं दर्द हो रही है स्कूल कैसे जाएगी मुझे ये बताना काम कर लियो ठीक है मैं मना नहीं कर रही बट दर्द में कैसे जाएगी मुझे इसका तो जवाब दे इतनी बड़ी लोंठी मेरी गोदी में बैठी है और रो रही है नहीं तो रो किस लिए मैंने मुझे इसलिए बता चोट लगी है इसलिए रो रही है स्कूल नहीं जा रहा है इसलिए रो रही है चोट लगी है इसलिए रो रही है ठीक है स्कूल जाना ना फिर छुट्टी कैंसिल छुट्टी कर दें छुट्टी में तो रोज स्कूल जाने के लिए है स्कूल नहीं जाना कैसे जाएगी पाँव में लगी है तो चलेगी कैसे मुझे ये तो बता लगराते में चलूंगी पर स्कूल जाना है जहाँ पहला बच्चा है जो चोट खा के भी स्कूल जाने की बात कर रहा है तो हम लोग तो कहते थे यार अच्छा मिला माना मिला छुट्टी मिलेगी घर बैठी ठीक है मेरी लड़की स्कूल जाने के लिए कितना रो रही है लगी भी है लगी है चोट इसकी जनरल है ये देखो चोट तो लगी है भैया इसके ज़्यादा दर्द है स्वेलिंग आ गई है स्वेलिंग आ गई है इसे रो रही है तो ऐसा कर रेस्ट कर हम आपको मिलते हैं बाद में इसका पहले पाँव को बहुत दर्द है इसके पाँव में चोट लगी है चोट छोड़ के ड्रेसेस वगैरह देखिए मैडम थोड़ा चुप हुई है शांत हुई है दवाई देते हैं इसको थोड़ा सा फ़ोन चला रही है फ़ोन में जाओ थोड़ा सा शांत हो जाता है आज के बच्चों को बस फोन चाहिए है पापा मेडिसिन लेके आ रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तक ये है कि ये मेडिसिन नहीं खाती मेडिसिन मतलब सिर्फ पी लेगी टैबलेट्स नहीं खाएगी अब टैबलेट ही है पेन की खानी पड़ेगी टैबलेट तो खानी पड़ेगी देखो दर्द बर्दाश्त कर ले या टैबलेट खा ले सिरप तो ख़त्म है इसका पर ठीक हो जाए फिर देखते हैं अभी पहुंच मतलब बीमारी में चीज सही है इसको कि मम्मी तो हाँ बोल देगी मैं रो रही हूँ है ना अभी बाहर जा रही हूँ बोला दिए बहुत दिक्कत है ऐसे चला रही हूँ वो कह रही है फौज में तो फौज में नहीं दिलवाए ये बीमारी में इमोशनल ब्लैकमेल यू गॉट पाउच माँ बीमारों में लगी है तो मम्मी रोते रोते कुछ भी दिला देगी पाउच पहले तो दवाई खा मैं तो हम खाने के लिए बोल रहे हैं उसके बाद देखेंगे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा दर्द बहुत है स्वेलिंग आ गई है स्वेलिंग आ गई है बेटा मैं इसको मेडिसिन देती हूँ पापा इसकी मेडिसिन ले आए आ गई मैडम की मेडिसिन ला दो देख पापा देख बिल्कुल बैठ के लगे देख रही कि तू सो गाइस ये है हमारा पहला बच्चा जो देखो आप रो रहे हैं कैसे मम्मी इतने बड़ी होके मम्मी की गोदी पे बैठी हुई है और ये इसके पाँव में लगी हुई है पट्टी कर रखी है हमने इसके पाँव पे शायद मोच आ गया खेलते खेलते जिस कारण इसको दर्द हो रखा है तो ये ऐसा बच्चा है बच्चे स्कूल जाने के नाम से रोते हैं ये स्कूल
जाने के नाम ना जाने के नाम से रोते है, ये स्कूल जाने के नाम से रो रही है। स्कूल जाना है मेरे को। हाँ मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाऊंगी क्योंकि इसी कल पिक क्या है। तो खुशी मनाते थे कि हमें छुट्टी मिल गई, सिखाने से हम स्कूल ही जाएंगे। और ये देखो अरविंद जाएगी कैसे जाएगी, मैं तो छोड़ आऊंगा फिर वहाँ पे कैसे करेगी, क्लास में कैसे जाएगी। मुझे तो मैडम बाहर ही कहेंगी को मैडम कहेगी, मुझे कहेगी कि ले जाओ सुबह की सुबह देखते हैं।